गुड मॉर्निंग एट क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। मैंने आपको चैप्टर थर्ड स्टार्ट करा दिया था, जिसमें हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, सिंथेटिक फाइबर्स को कैसे करते हैं और सिंथेटिक फाइबर कैसे बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर रॉ मटेरियल जो पेट्रोलियम ओरिजिन के रॉ मटेरियल होते हैं उससे ऑब्टेंड होता है, जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स के करेक्टरिस्टिक्स। डू यू नो डैट इन रेनी सीजन वॉट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वॉई वाई। रेनी सीजन में तुम किस टाइप का अम्ब्रेला यूज़ करते हो और क्यों। सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर देन नेचुरल फाइबर, ये तो पता ही है। सिंथेटिक फाइबर सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर से, दे आर स्ट्रोंगर होते हैं नेचुरल फाइबर से और जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं कम समय में, और मेंटेन करना, वॉश करना, ये सब ईजी हो जाता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है, ठीक है। तो दो सेम साइज के दो क्लोथ लिए हैं तुमने, ठीक है, हाफ मीटर के, और वन शूट, एक तो नेचुरल फाइबर्स का है और एक सिंथेटिक फाइबर का है, ठीक है। और फिर इनको पानी में डुबो के हम इनको क्या कर लेंगे, गीले कर लेंगे, और फिर हम इनको 5 मिनट तक स्प्रेड धूप में रख देंगे। तो कौन सा जल्दी वाटर को जल्दी रिमूव कर देगा, तो कौन सा होगा, जो नेचुरल फाइबर है वो ज़्यादा वाटर कंटेन करके रखता है, वो जल्दी से ड्राई अप नहीं होगा। डू सिंथेटिक फाइबर सॉफ्ट लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, ठीक है, और कम समय में वो वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए लेस समय में ही, कम समय में ही वो ड्राई अप हो जाएगा। वाई डज द एक्टिविटी टेल यू फाइंड आउट, ठीक है, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट है प्लास्टिक। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स, हमारे घर में आजकल इतने सारे प्लास्टिक आइटम्स हैं, इनके बारे में तुम सब जानते ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लास्टिक, इनमें भी जो चैन होती है वो, जैसे जो हमने फाइबर्स पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स में, उनमें भी क्या होती है, पॉलीमर्स की बनी होती है, ऐसे ही जो प्लास्टिक होता है वो भी पॉलीमर्स का बना होता है, ठीक है। इन एवरीडे लाइफ वी आर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स, सम ऑफ दीज आर प्लास्टिक्स, में के लिस्ट बना सकते हो। ये प्लास्टिक इज ए पॉलीमर डेट कैन बी रिसाइकल, प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीमर होता है ये भी, और इसको रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल्ड, कलर्ड, रीयूज्ड, मोल्ड और ड्रॉन इनटू वायर्स और वेरियस अदर शेप्स। यूनिट ऑफ सम प्लास्टिक्स हैव लीनियर अरेंजमेंट विद सम प्लास्टिक आर फॉर्म्ड बाय द क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ देयर यूनिट्स, जो इसके यूनिट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कहीं में तो लीनियर होता है, कहीं में क्रॉस होता है, ये ऐसे, ठीक है। दस प्लास्टिक इज यूज टू मेकिंग जैसे टॉय, सूटकेस, बैग, कैबिनेट, ब्रश, चेयर, टेबल और कई अगिनत चीज़ें बनाने में काम आता है। पॉलीथीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ प्लास्टिक, इसमें से जो पॉलीथीन होता है वो सबसे मोस्ट फेमस टाइप का प्लास्टिक है, विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर कैरी बैग बनाने के काम में आता है, सब प्लास्टिक की चीज़ें देखिए। नाउ ट्राई टू बैंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ, क्या तुम बैंड कर सकते हो, इजिली बैंड हो जाता है हम आसानी से उसको। वेल सम ब्रेक वैन फोर्स बाय तोड़ भी सकते हैं उनको, वैन वी डेड हॉट वाटर, अगर हॉट वाटर डालेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगी प्लास्टिक की बॉटल वगैरह, सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, तो ऐसी प्लास्टिक जो डिफॉर्म हो जाती है उनको हीट करने पर बैंड हो जाती है इजीली आर नोन एज थर्मो प्लास्टिक, ठीक है। तो थर्मो प्लास्टिक की क्या डेफिनेशन हो गई, सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग कैन बी बैंड इजीली आर नोन एज थर्मो प्लास्टिक। पॉलीथीन, पीवीसी आर सम एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक के, और ये टॉयज़, कॉम्स, वेरियस टाइप के कंटेनर्स बनाने के काम में आते हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देर आर सम प्लास्टिक जब इनको मोल्ड, सिर्फ एक बार ही ये बन सकती है, इनको दोबारा मोल्ड नहीं कर सकते, इनको दोबारा हीट नहीं कर सकते, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। मेलेमाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मेलेमाइन क्या होता है, ये फायर से भी रेसिस्टेंस होता है, ये ज़्यादा अदर प्लास्टिक से ज़्यादा क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर जैसे फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वायर में, फैब्रिक्स में, ठीक है। इट वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। अब है नेक्स्ट प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। टुडे इफ यू थिंक ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा, तो प्लास्टिक कंटेनर्स ही हम देखते हैं, लेते हैं। ये लाइट वेट के होते हैं, लोअर प्राइस के होते हैं, गुड स्ट्रेंथ होती है, इजी हैंडलिंग कर सकते हैं इन्हें, बींग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, मेटल के कंपेयर में ये कम वजन के होते हैं। प्लास्टिक्स आर यूज इन कार, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में भी काम आते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस, इफ वी
स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स, अगर हम इनको गिनना प्रारंभ करेंगे तो ये एंड इसके अनगिनत चीज़ें हैं जो इससे बनती है, लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं कि इतना क्यों यूज़ में आ रहा है प्लास्टिक्स, कि आजकल इसने मेटल को रिप्लेस करके प्लास्टिक ही प्लास्टिक हर जगह काम में आ रहा है। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, एक तो होता है ये नॉन रिएक्टेबल होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, लाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होता है, ठीक है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो एक एक करके हम रीड करते हैं। वी नो डैट सम मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड, जैसे कुछ मेटल है जैसे आयरन को ही लो, अगर उसको मॉइस्चर में नमी में रख देंगे तो वो रस्टेड हो जाएगा। प्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होती है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। डन इज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एयर, इनसे कुछ से भी केमिकल रिएक्शन नहीं करती है। दे आर नॉट कोरोडेड इजीली, कोरोड भी नहीं होता है, इसलिए इसमें हम कोई भी वेरियस चीज़ें, कई चीज़ें हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है, कैसे होता है, डिस्कस इन योर एल्डर अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स डेट वर यूज इन द पास्ट, वॉट इज द मटीरियल ऑफ द बकेट्स आर मग्स यू आर टूडे यूजिंग, वाट आर द, जो पहले के टाइम में जो बकेट वगैरह काम में लेते थे वो कैसी होती थी, वो मेटल्स की बनी होती थी, मग वगैरह ये सब, और आजकल हम प्लास्टिक कंटेनर्स काम में लेते हैं। प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है, इसको डिफरेंट साइज और शेप में मोल्डेड कर सकते हैं, ये वेरियस पर्पस में काम आती है, ये चीपर होती है ना मेटल से, और इंडस्ट्री में हाउस होल्ड आर्टिकल्स में काम आती है। ठीक है, इसलिए पुअर कंडक्टर होती है। बेकेलाइट प्लास्टिक इज़ यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के काम आते हैं, जैसे ये हीट के इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, ये कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देते हैं हमें टच करने पर। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं, हैंडल्स बनाते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, एज मेंशन ये सब फ्राइंग पैन्स के जो हैंडल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं। तो इतने सारे यूजेस के कारण प्लास्टिक हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।